नेक्स्ट एंजाइम है जो बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं. अब जिस तरह से सीजर्स स्पेसिफिक कट्स लगा सकती हैं किसी भी चीज़ में, इन द सेम वे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को कट कर सकते हैं स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर. सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो आइसोलेट हुआ था वो था हिंद टू. ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज विच वॉज आइसोलेटेड. इन इसके बारे में हम जब नॉमनक्लेचर में पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि इनका नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है. ठीक है, वो एक सेपरेट लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बताऊंगी आपको. राइट, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आर मॉलिक्यूलर सीजर्स विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. एग्जाम्पल हिंद टू विच वॉज द फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज टू बी आइसोलेटेड. नाउ द नेक्स्ट एंजाइम इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज. नाउ सपोज ये प्लाज्मिड है किसी बैक्टीरिया का, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लाज्मिड्स बैक्टीरियल सेल्स के अंदर. ठीक है, और सपोज कोई एंडोन्यूक्लिएज आकर उसको कट कर देता है. यहाँ से कट करने पर ये सर्कुलर प्लाज्मिड जो है ये लीनियर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा. 3'5' एंड्स है, 3' एंड के ऊपर OH ग्रुप है और 5' पे फॉस्फेट है. ठीक है, ये थर्ड कार्बन रीजन है. अब एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देगा. ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप अगर रिमूव हो गया तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनना था वो नहीं बनेगा और रीसर्कुलराइजेशन चेक हो जाएगी. मींस दोबारा से ये स्ट्रक्चर खुल लीनियर फॉर्म में ही रहेगा, इट विल नॉट रीसर्कुलराइज. मतलब इस सर्कुलर स्टेज में नहीं जाएगा, ये लीनियर ही रहेगा. तो ये काम करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस. देन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट एंजाइम, दैट इज लाइगेजेस. अब लाइगेजेस जो होते हैं दे एक्ट एज मॉलिक्यूलर ग्लू. ये गोंद का काम करते हैं स्ट्रक्चर्स को चिपकाने के लिए. क्या चिपकाते हैं, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जॉइन करवाते हैं. जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड. ठीक है, नाउ वी मूव टू सर्टन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एंडोन्यूक्लिएजेस. यहीं पर इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं और ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है. वट आर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज. तो पैलिंड्रोम्स को समझते हैं हम क्या है. हाउ एंडोन्यूक्लिएजेस मेक कट्स इन जेनेटिक मटेरियल्स. एंडोन्यूक्लिएजेस अभी देखा आपने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये कट्स कैसे जेनेटिक मटेरियल में बनाएगा. तो पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, दैट इज़ अ पैलिंड्रोम. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस वेयर द बेस पेयर्स रीड द सेम इन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स. नाउ सपोज फर्स्ट केस लेते हैं हम, दो केसेस लेंगे इसमें. उससे पहले हम पैलिंड्रोम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई शब्द है मलयालम, इसके स्पेलिंग देखिए MALAYALAM. इसको उल्टा देखिए MALAYALAM. दोनों तरफ से रीड सेम करता है ये. तो अगर हमारे पास कोई डीएनए है 5'3'3'5' और उसके एक स्ट्रैंड में बेस पेयर्स की सीक्वेंस है GAATTC, जी इज़ ग्वानिन, ए इज़ एडिनिन एंड टी इज़ थाइमिन एंड सी इज़ साइटोसिन. और यहाँ पे देखिए GAATTC, मींस ये पैलिंड्रोम है. ठीक है, अब एंडोन्यूक्लिएज आकर इसको यहाँ से कट कर देगा सपोज, तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आ जाएगी, 5', फिर जी, यहाँ भी कट लगा हुआ है. ये रेड एरो जो बता रहा है ये कट्स वाला रीजन बता रहा है. कट लगा है तो जी के बाद कुछ भी नहीं होगा, मतलब जी के बाद 3' होगा. फिर 5' AATTC 3', 5' AATTC 3'. ठीक है, ये पहला स्ट्रैंड हुआ. और दूसरा स्ट्रैंड हुआ, दूसरे स्ट्रैंड में 3' CTTAA, 3' CTTAA, फिर 5'. फिर यहाँ कट लगा है, यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ 5' है तो यहाँ 3' आएगा, 3' G5'. तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से एंडोन्यूक्लिएज ने कट किया और ये हमें स्ट्रक्चर मिला. ठीक है, यहाँ पर हमने समझना है कि स्टिकी एंड्स, कॉस साइड्स या स्टिकी कट्स क्या चीज़ है. ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस को हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं. जैसे ये ओवरहैंग कर रहा है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन रीजन्स को हम स्टिकी एंड्स बोलेंगे. सो व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इट इज़ अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस. ये तो डेफिनेशन आपने बिल्कुल बाय हार्ट ही लर्न कर लेनी है और ये एग्जाम्पल भी. वेयर द बेस पेयर्स रीड द सेम इन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये.
ठीक है, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, यही से आंसर निकल रहा है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। अब दूसरा केस है इसमें ब्लंट एंड्स का, ठीक है, तो सपोज दोबारा हमारे पास 3' सी 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 जी 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 5', 5' जी 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 सी 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 3' है, कट लगेगा, यहाँ से कट लगा, ये लाइन दर्शा रही है कि ये कट वाला रीजन है, तो हमारे पास बराबर रीजन्स दोनों तरफ मिल रहे हैं, 3' सी 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 5', 3' जी 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 5', 5' जी 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 3', 5' सी 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 3', तो यहाँ ये हमें जो एंड्स मिले, कट्स मिले, ये हमने ब्लंट कट या ब्लंट एंड बनाया है, ठीक है। अब हम एंडोन्यूक्लियस के बारे में कुछ और एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करते हैं, इनके नॉमनक्लेचर के बारे में। देखिए नाम कैसे लिया जाता है किसी भी एंडोन्यूक्लियस का, रूल्स टू नेम एंडोन्यूक्लियसेस और मॉलिक्यूलर सीजर्स, रूल्स टू नेम एंडोन्यूक्लियसेस और मॉलिक्यूलर सीजर्स। सो फर्स्ट इज, अगर हम लेते हैं ई कोलाए और उसका RY13 स्ट्रेन लेते हैं तो ये नाम बनेगा। अब देखते हैं ये नाम कैसे बना, ई लिया हमने जेनेरिक नेम से, मतलब ई कोलाए एस्टेरिचिया कोलाए होता है, ई यहाँ से लिया, कोलाए के पहले दो शब्द लिए सी और ओ, ये स्पेसिफिक नेम से लिए, आर हमने स्ट्रेन से लिया और उसके साथ पहला रोमन लेटर लिखा, रोमन नंबर में नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्कवरी। मींस अगर सबसे पहला ई कोलाए से जो भी एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ होगा उसके ऊपर हमने रोमन नंबर 1 लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्कवरी, तो एंडोन्यूक्लियस का नाम हो गया ई सी ओ आर 1। दूसरे जो डिस्कवर हुए होंगे ई सी ओ आर 2, ई सी ओ आर 3 एंड सो ऑन। ये पहला रूल देखा आपने। दूसरा देखते हैं, अब ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे आर डी लेते हैं। अब देखिए आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी था, अब इन दोनों केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हिंद हमने ये कैसे लिया, एच हमने जेनेरिक नेम से लिया, आई एन हमने स्पेसिफिक नेम से लिया। अब क्योंकि यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर था तो इन यहाँ पर तो मैं दोबारा आर नहीं लिख सकती, ठीक है, तो आर की जगह मैंने उसका अगला वाला वर्ड जो है डी था वो उसको मैंने लिखा। अब ये होना कैसे चाहिए था, एच आई एन अलग और डी अलग, क्योंकि यहाँ पर भी वही रूल लगाया हमने, बट क्योंकि डी भी एक स्मॉल लेटर है इसलिए मैंने इसको एच आई एन डी इकट्ठा ही कर दिया और ये क्या बन गया, हिंद। वन वन मैंने रोमन लिया क्योंकि रोमन नंबर में जो डिस्कवरी के बेसिस के ऊपर सीक्वेंस होती है उसको हम फॉलो करते हैं, तो जो पहले डिस्कवर हुआ उसको नंबर 1 दे दिया, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस हो गया हिंद 1। अब दूसरा हुआ हिंद 2, ये सेकंड डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस हो गया, बट ऐसा हुआ था कि हिंद 2 को सबसे पहले हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे से आइसोलेट किया गया था, तो हमसे अगर पूछा जाए कि विच एंडोन्यूक्लियस वॉज द फर्स्ट टू बी आइसोलेटेड, तो वो था हिंद 2। विच एंडोन्यूक्लियस वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, दैट वॉज हिंद 1। देखो फर्क है, हिंद 1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ, हिंद 2 की डिस्कवरी सेकेंड नंबर पे हुई, बट आइसोलेशन सबसे पहले किस एंडोन्यूक्लियस की हुई, दैट वॉज हिंद 2। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर।